साहस सरोकार। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और फाइनल चरण में आज 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान वोट डालने पहुंचे। परिवार के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मतदान किया, साथ ही लोगों से वोट करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। वोटर्स शाम 6 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी आशिनी अवस्थी ने पति विकास अवस्थी के साथ वोट किया और जनता से वोट करने की अपील की है। और चूंकि जनता भी बदलाव चाह रही है, तो मुझे यकीन है कि अब की बदलाव होकर ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी पर ज़्यादा आदमी भरोसा जता रहा है और मुझे लगता है कि वो भरोसा आपकी रंग लाएगा। शहर में निकल रहे हैं आप लोग, मतदान को लेकर लोगों का रुझान किस ओर ज़्यादा नज़र आ रहा है? अब की सबसे ज़्यादा जनता कांग्रेस पार्टी की ओर रुझान दिखा रही है और मुझे लगता है कि अब की जनता भी कांग्रेस पार्टी के ही साथ है। अगर बदलाव होता है तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार? अगर बदलाव होता है तो मुझे सबसे पहले नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म करना है और नगर निगम के खराब स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाना है और नगर निगम की जो शिक्षा विद्यालय हैं उनको भी सुचारू रूप से चालू कराना रहेगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस दौरान 38 जिलों में मतदान शहर की सरकार का चुनाव करेंगे। ये यूपी नगर निकाय के आखिरी चरण का मतदान है। इसमें पहले 4 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। बता दें कि बाराबंकी में निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। डीएम अविनाश, एसपी दिनेश सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया, साथ ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं से बातचीत की। उन्होंने निर्भीक होकर मतदान करने के लिए अपील की है और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। गाजियाबाद में यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल का प्रयोग कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच गाजियाबाद में फर्जी मतदान को लेकर भिड़ंत देखने को मिली है, जहां लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा प्रत्याशी असद अली मुखिया आपस में भिड़ गए। बता दें कि लोनी विधायक भुरके की आड़ में फर्जी वोट डालने की सूचना मिलने के बाद मतदान केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान विधायक और बसपा प्रत्याशी के बीच विवाद शुरू हो गया। वहीं विधायक ने कहा कि लोनी में एक भी फर्जी वोट नहीं डालने देंगे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती के साथ चेकिंग शुरू कर दी। घटना के बाद इंटर कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल का प्रयोग कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस इंचार्ज फतेलापुर पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है, साथ ही ट्वीट कर विधायक ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अतुल प्रधान मेरठ के सरधना सीट से विधायक हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान का बड़ा आरोप सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस इंचार्ज पर फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए हैं। इस खबर पर मैं संवाददाता राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है, सपा विधायक अतुल प्रधान ने बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ आरोप लगाया, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूर, में जगह जगह फर्जी वोट डालने की खबर फैल रही है और इसको लेकर कई जगह हंगामे भी देखने को मिले हैं। वहीं अगर मैं बूथ की बात करूं तो अतुल प्रधान ने बूथ संख्या 661 और 662 और 674 पर
पुलिस इंचार्ज है वहां पर फतेहनपुर अंदर बैठकर वोट डलवा रहे थे। इसको लेकर अतुल प्रधान ने चुनाव आयोग को मेरठ के जिला अधिकारी को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वालों पर चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहीं मेरठ के शास्त्री नगर की बात करूं तो सेक्टर 2 में भावना शर्मा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी यह बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ पर कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन से शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। ये मेरठ में जगह जगह देखने को मिल रहा है, जबकि पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर भी जगह जगह इलाकों में क्या कहते हैं पुलिस की पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया, क्योंकि जहां जहां मतदान केंद्र बने हुए उस इलाके को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। बस्ता के माध्यम से पर्चियां काटी जा रही है, पर्चियां बनाई जा रही है, फिर भी मतदाता किस तरीके से फर्जी वोट डाल रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत करी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सेक्टर 2 की जो प्रत्याशी है भावना शर्मा, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ का घेराबंदी कर दी, हंगामा कर दिया, वहां पर पुलिस बल तैनात हो गई है। फिलहाल मामले की जाँच जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से अभी की जा रही है। जी मयूरी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और फाइनल चरण में आज 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां पुलिस कड़ी व्यवस्था का इंतजाम किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल का प्रयोग कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस बीच बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखने को मिला है, जहाँ बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ के पास गाड़ी खड़ी देखी गई है, जिसके बाद सपा प्रत्याशी अर्चना पांडा ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी को बूथ के पास तक जाने नहीं दिया जा रहा। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण और फाइनल चरण में आज 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में राज्य के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका और 267 नगर पंचायत सीटों पर मुकाबला है। मतदान शुरू हो गया है। राज्य की 7 नगर निगम की मेयर सीटों के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में है। सुबह 7 बजे से शुरू मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं इस बीच अलीगढ़ से एक खबर सामने आई है, जहां मतदान करने आई महिला बेहोश हो गई। तेज गर्मी की वजह से महिला के नाक से आने लगा। वहीं ये सब देख वोटरों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह महिला को संभाला। भुजपुरा के बिहारी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भैया ये कहां पर आए हैं और क्यों आए हैं? जी वोट डालने आए हैं सर। वोट डालने आए हैं, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है? बहुत तबीयत खराब है इनकी। तो यहाँ पर आपको व्हील चेयर की व्यवस्था मिली या नहीं मिली? नहीं कुछ नहीं मिला। तो आप इनको कैसे लेके आए हैं? हम अपनी बाइक पर लेके आए हैं यहाँ पर। इसे वोट डालने के अंदर तो कोई भी व्हील चेयर की कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं कुछ भी नहीं। क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? इनको परेशानी है टीवी की शिकायत है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है मरीजों के लिए? ना यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है मरीजों के लिए। कौन से थाने का मामला, कौन सी जगह आए हैं आप? थाना तो क्या लगता है हमारा, कोट वाली। जगह क्या है? जगह वो जाटा स्कूल। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटर्स शाम 6 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर लोग लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। वहीं पुलिस की तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। बुलंदशहर DM ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। मतदान केंद्र बूथों का DM SSP श्लोक कुमार ने निरीक्षण किया। 17 निकायों में 276 मतदान केंद्र और 842 बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बुलंदशहर जनपद के 17 नगर निकायों के 842 बूथों पर आज सवेरे 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र CCTV से लैस हैं। 17 नगर निकायों में पिंक बूथ की स्थापना की गई है। पूरे जिले को 32 जोन और 78 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा 7 सुपर जोन तैनात किए, जोनल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। सभी बूथों पे बेसिक मिनिमम फैसिलिटी और सारी फैसिलिटी दी गई है, ताकि मतदाता आए तो उसे एक अच्छा अनुभव हो। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जितने भी मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो अपने वैध मतपत्र वैध आइडेंटिटी कार्ड के साथ। और
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटर शाम 6 बजे तक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। कानपुर मंडल के कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, हमीरपुर और महोवा में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं इस बीच बता दें कि कानपुर के काकादेव प्रभात पब्लिक स्कूल के मतदान केंद्र में पुलिस ने भाजपा के एजेंट को गिरफ्तार किया है। पोलिंग बूथ के अंदर भाजपा का एजेंट नितिन एक मतदाता उर्मिला सिंह को भाजपा पर वोट डालने के लिए दबाव बना रहा था। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान मतदान केंद्रों की सुविधाएं पंचर दिखाई दी। बता दें कि पीलीभीत के मतदान स्थल पर लापरवाही सामने आई है, जहां बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे बुजुर्ग अपना मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता पीलीभीत से अमित हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, मतदान स्थल पर लापरवाही देखने को मिली है, बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, क्या कुछ जानकारी? जी जी, मैं आपको बताते चले कि यहाँ पर जो बुजुर्ग आते हैं, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, उनके लिए कोई व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि ये जायज है, चुनाव में व्हील चेयर होनी चाहिए, जिसके बावजूद भी ये आदेश जारी नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग लोग पैदल आते हैं, थक जाते हैं, रास्ते में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। आपको ये पीलीभीत की खबर बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है वीडियो में भी, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उसमें देखा जा रहा, साफ साफ देखा जा रहा है कि लोग आकर के बैठ जाते हैं, रास्ते में बैठ जाते हैं, लेकिन उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। ये लापरवाही भी कह सकते हैं और एक ये बड़ी बात भी देखने को है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग अपने मत का प्रयोग इतने चाव से मत का प्रयोग करने के लिए आते हैं, वो उनकी क्योंकि उम्र का भी लिहाज नहीं है और क्योंकि व्हील चेयर का भी व्यवस्था नहीं की गई है। जी धन्यवाद अमित तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।